ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। मैं साजिदा माउन मोलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मसरकल तालुका देवदुर्गा ज़िला रायचूर से आप तमाम के सामने इस ऑनलाइन क्लास में हाजिर हूँ। आज हम जमात पंजुम मजमून उर्दू उनवान क्यों ना हम भी हाथ बटाएं सबक का हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का आज की इस ई संवेदा ऑनलाइन क्लास में मैं इस्तकबाल करती हूँ। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम ज़बान अव्वल की उर्दू किताब निदाए उर्दू से क्यों ना हम भी हाथ बटाएं सबक का हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे, जो सफ़ा नंबर 100 पर मौजूद है और सबक नंबर 16 है। तो बच्चों, मैं आप तमाम से गुजारिश करती हूँ कि आप तमाम अपने करीब एक अपनी दरसी किताब, एक कापी और कलम रख ले, ताकि सबक के ज़रूरी और अहम नुकात को दर्ज कर सको। तो बच्चों, अब हम सबक के अहम मकासिद को जानते हैं। पहला है, सबक का मुताला मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ करेंगे। इसका मतलब है बच्चों, इस सबक में बहुत सारे रमूज़ुल औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया गया है, तो इसीलिए हम इन अलामात को का ध्यान रखते हुए सबक को सही उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना सीखेंगे। दूसरा, सबक को मुकालिमे की तरह पढ़ना, यानी मुकालिमा उसे कहते हैं जो दो या दो से ज़ायद अफराद के बीच में बातचीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुकालिमा कहते हैं। तो इस सबक में भी मौलिम और तालिबे इल्मों के दरमियान बातचीत या गुफ्तगू हो रही है, तो इसीलिए हम इस सबक को एक मुकालिमे की तरह पढ़ेंगे। सबक की तशरीह करेंगे और फिर अल्फाज माने जानते हुए मुख्तलिफ अंजुमनों के नामों से भी वाकिफ होंगे, और उसके बाद आसान कवायद हल करेंगे और मशकी सरगर्मियों को भी हल करेंगे। तो बच्चों, अब मैं इबारत पढ़ती हूँ और आप तमाम से उम्मीद रखती हूँ कि आप भी मेरे बाद इस इबारत को दोहराएंगे। जमात में हल्का सा शोर मचा हुआ है, बच्चे आपस में सरगोशियाँ कर रहे हैं। उस्तानी साहिबा दाखिल होती हैं और आमिर के हाथ में दस्ती इश्तेहार देखकर दरियाफ्त करती हैं, मौलिमा आमिर, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आमिर, आपा, ये एक दस्ती इश्तेहार है, इसमें लिखा है कि हमारे मदरसे के इहाते में कोई क्या मुकर्रर है। मौलिमा, अच्छा, मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी कि रोटरी क्लब वालों ने हमारे मदरसे के इहाते में 5 दिनों के लिए आँखों के मुफ्त मुआयना और ऑपरेशन कैंप का इंतज़ाम किया है। मदरसे के बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े साइज़ के इश्तेहारी बोर्ड लगे हैं, इनमें लिखा है कि गरीब, लाचार, मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों की आँखों का मुफ्त मुआयना किया जाएगा और दवाइयाँ और ऐनक भी मुफ्त में मुहैया की जाएंगी। ज़रूरत के मुताबिक पर्दा और मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन किया जाएगा। आसिम, मोतियाबिंद क्या होता है? मौलिमा, मोतियाबिंद आँखों की एक बीमारी है, इसमें आँखों से
पानी बहता है। अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो बीनाई कमजोर हो जाती है। आफिया, आंखों का पर्दा क्या होता है? मौलिमा, विटामिन ए की कमी से बीनाई कमजोर होती है। ऑपरेशन के जरिए इन दोनों बीमारियों का इलाज किया जाता है। अमाद, विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी ना होने पाए हमें क्या करना चाहिए? मौलिमा, ऐसी गिजा इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें विटामिन ए काफी मकदार में पाया जाता हो, जैसे गाजर, मूली, हरी सब्जियां वगैरह। तो बच्चों, अब हम हिस्सा अव्वल की इबारत का मुतालिया कर चुके हैं। अब हम क्या है इसमें आए हुए मुश्किल अल्फाज के माने जान लेते हैं। अल्फाज व माने, सरगोशी जिसके माने हैं आपस में पुसर पुसर करना, दस्ती इश्तेहार छोटे इश्तेहार, दस्ती इश्तेहार का माना क्या है छोटे इश्तेहार, इहाता चार दीवारी या घेरा, इंग्लिश में जैसे कि मदरसों में अतराफ से जो चार दीवारी उठाई जाती है या घरों के अतराफ जो चार दीवारी उठाई जाती है हमें उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं कंपाउंड, हाँ तो उसी को क्या है इहाता कहते हैं। मुआइना, गौर से देखना, मुआइना के मतलब गौर से देखना। बीनाई, बीनाई यानी आंखों की रोशनी। तो बच्चों अब हम अल्फाज के माने जान चुके हैं, तो अब हम सबक की तशरीह भी जान लेते हैं। तो आप तमाम गौर से सुनिए। तो इस तस्वीर को गौर से देखिए, यहाँ पर आपको क्या है एक मदरसा नजर आ रहा है और साथ ही साथ एक खुला बड़ा सा मैदान और कंपाउंड गेट तमाम आपको नजर आ रहा है। तो एक दस्ती इश्तेहार के बारे में हमने इस सबक में पढ़ा। तो दस्ती इश्तेहार किसे कहते हैं, छोटे छोटे इश्तेहार को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कंपाउंड के दाएं और बाएं जानिब क्या है दस्ती इश्तेहार और बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। इस तरफ उर्दू में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, आंखों का मुफ्त मुआयना और ऑपरेशन क्या रोटरी क्लब की जानिब से। तो मुकाम क्या है इस स्कूल का, यहाँ पर पता दिया गया है सरकारी उर्दू स्कूल मंगलूर। तो यहाँ पर ये रोटरी क्लब की जानिब से क्या है, यहाँ पर एक कैंप मुकर्रर किया गया है इसी इस इमले को। यहाँ पर क्या लिखा गया है कन्नड़ा में लिखा गया है, ये भी एक इश्तेहारी बोर्ड है। तो इसी के बारे में आपस में जमाती कमरे में तमाम बच्चे क्या है सरगोशियां कर रहे थे, आपस में क्या है बातें कर रहे थे। तभी क्या है जमात में मौलिमा दाखिल होती है, तो आमिर के हाथ में एक दस्ती इश्तेहार देखती हैं। देखकर क्या है मौलिमा और तालिबे इल्मों के बीच में क्या है बहस व मुबाहसा या मुकालिमा शुरू होता है कि दस्ती इश्तेहार क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर मौलिम और तालिबे इल्मों के बीच में क्या है गुफ्तगु हो रही है। तो ये छोटा सा इश्तेहार जिसे क्या है हम न्यूज़पेपर में अक्सर कभी कभी क्या है दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के छोटे छोटे ऐसे पर्चे दिए जाते हैं, इसमें क्या है मुफ्त तालीम का, फ्री कोचिंग का, फ्री कैंप इस तरफ, फ्री इलाज, इस तरह के क्या है पॉम्पलेट क्या है न्यूज़पेपर के साथ अक्सर आते हुए आपने भी देखा होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो मदरसे में क्या है रोटरी क्लब की जानिब से फ्री मुफ्त मुआयना और इलाज का क्या है 5 दिन का कैंप रखा गया था। तो इसके इसमें क्या करते आँखों के मुआयना किया जाता है, इसमें कौन सा मुआयना किया जाता है आँखों का मुआयना
किया जाता है किन लोगों का, जो लोग गरीब हैं, जो लाचार हैं, मजबूर हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास क्या है, इलाज या ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते, ऐसे लोग क्या है यहाँ पर मुफ्त में क्या है अपना इलाज करवा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी, और साथ साथ क्या है उन्हें दवाइयाँ और ऐनक भी क्या है मुफ्त में दिया जाता है। तो ये क्या है आँखों से जो ताल्लुक़ रखने वाली बीमारी है उसको क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। तो यहाँ पर मोतियाबिंद क्या है इसकी तशरीह हम करेंगे। मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद एक आँखों की बीमारी है। इसमें क्या है आँख से हमेशा पानी बहता रहता है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए या इलाज ना करवाया गया तो क्या है हमारी आँखों की रोशनी क्या है कमज़ोर होती है और हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो इस पर ऐसा होते होते अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आँखों पर क्या है एक पर्दा सा छा जाता है। तो ये किस लिए होता है, हाँ ये क्या है विटामिन ए की कमी से होता है। इसके लिए इसका इलाज क्या है, जब पर्दा आ जाता है तो ऑपरेशन करके ही क्या है इसका इलाज किया जाता है। और विटामिन ए की कमी ना होने पाए तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हाँ अगर विटामिन ए की कमी नहीं होना चाहिए तो हमें मूली, गाजर और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें क्या है जैसे कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है इसमें काफ़ी मकदार में क्या है विटामिन ए पाया जाता है, जैसे कि है गाजर, टमाटर, दूध, गोश्त, अंडा, मक्खन और हरी सब्जियां वगैरह आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं। तो ये विटामिन ए काफ़ी मकदार में हमें मुहैया करती हैं। तो अगर हम इन सब्जियों का, इन तरकारियों का, इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या है विटामिन ए की कमी नहीं होगी और हमारी आँखों की रोशनी भी सही रहेगी। तो मोतियाबिंद क्या होता है आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या है ये एक सेहतमंद आँख की तस्वीर है। और ये क्या है मोतियाबिंद का जो शिकार होता है मरीज, जिसके आँखों पर पर्दा आता है वो आँख है, जिसको क्या है ऑपरेशन के जरिए क्या है वो लेंस बिठा कर क्या है ऑपरेशन किया जाता है, वो जो पर्दा छाया रहता आँखों पर उसे निकाल कर क्या है डॉक्टर लेंस बिठाते हैं और उसके बाद चंद दवाइयाँ और ऐनक देते हैं। तो इस तरह से ये मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है। ऐसे कैंपों में क्या है मुफ्त में ये तमाम इलाज करके क्या है मरीजों को दवाइयाँ और ऐनक भी देते हैं। आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में जो मरीजों को ऐसे देखा होगा। तो अब हम इन सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। जो आपकी दर्सी किताब में सवालात दिए गए हैं उन सवालात के जवाबात मैं आपको बताती हूँ और आप जितना हो सके किसी कापी में या फिर दर्सी किताब में ही क्या है लिख लीजिए उसके जवाबात को। तो पहला सवाल है मौलिमा ने आमिर के हाथ में क्या देखा, तो इसका जवाब क्या है, हाँ बिल्कुल सही, मौलिमा ने आमिर के हाथ में दस्ती इश्तेहार देखा। दूसरा सवाल मदरसे पर किस कैंप का अहतमाम किया गया था, इसका जवाब है आँखों के मुफ्त मुआयना और ऑपरेशन कैंप का अहतमाम किया गया था। जवाब तीसरा सवाल बीनाई क्यों कमज़ोर होती है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, विटामिन ए की कमी से बीनाई कमज़ोर होती है। मदरसे पर कैंप का अहतमाम किसने किया था, बिल्कुल सही जवाब, रोटरी क्लब वालों ने मदरसे पर कैंप का अहतमाम किया था।
विटामिन ए किन किन चीजों में पाया जाता है? जवाब है गाजर, मूली, हरी सब्जियां में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों अब इन खाना पूरी कीजिए, ये जो मश्क है आप अपनी दर्सी किताब में पूर्ण कर लीजिए। पहला है आपा, ये एक डैश है, तो ये क्या है? दस्ती इश्तेहार। तो इस जगह पर आपको क्या लिखना है? दस्ती इश्तेहार लिखना है। दूसरा, विटामिन ए की कमी से डैश कमजोर होती है, बीनाई। इसका जवाब क्या है? बीनाई। मोतियाबंद डैश की एक बीमारी है, तो ये क्या है? आंखों की एक बीमारी है। चौथा, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह डैश इदारे हैं, तो ये क्या है? गैर सरकारी इदारे हैं। मश्की सरगर्मियां, तो बच्चों आपकी दर्सी किताब में चंद कहावतें दी हुई है और आपको क्या है? उनके माने लिखना है। तो आप अपनी दर्सी किताब में इनके जो सामने नजर आ रहे हैं आपको, ये माने लिख लीजिए। तो पहली कहावत क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो आपको क्या है? इसका माना लिखना है। तो इसका मतलब क्या है? खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसका माना है मेहनत तो बहुत की मगर मेहनत के मुताबिक सिला नहीं मिला। दूसरी कहावत, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये भी एक कहावत है, तो इसका मतलब क्या है? हर तरफ से शर्मिंदा होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब कोई अच्छी चीज खाने से मना करे। चौथा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी एक कहावत है जिसको आप अक्सर अपने बड़ों से बोलते हुए सुना भी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? बुरा आदमी समझाने से नहीं समझता, ये इसका मतलब है। और आखिरी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, क्या है आखिरी कहावत? नेकी कर दरिया में डाल, ये भी अक्सर आम तौर पर हम बोलते हुए सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छे काम का बदला मिले ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हम क्या है अक्सर सोचते हैं कि हम इतनी नेकियां करते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं और अल्लाह ताला हमें ही आजमाता है, हमारे साथ बहुत बुरा होता है, ऐसा सोचते। तो ऐसा नहीं, अच्छे काम का बदला मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जबान की मश्क है, तो बच्चों आपको यहाँ पर एक जदोल नजर आ रहा है, तो इस जदोल में आपको क्या करना है? हुरूफ से हुरूफ मिलाएं और नए नए अल्फाज बनाएं। तो इस जदोल को आप गौर से देख लीजिए और जल्दी जल्दी अपनी कापियों में भी इस जदोल को उतार लीजिए, तमाम हुरफों को उतार लीजिए। अब इस तरीस को किस तरह से इन हुरूफ का इस्तेमाल करते हुए नए नए अल्फाज बनाना है, मैं आपको समझाती हूँ, गौर से सुनिए। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने बताया है जैसे कि चंद हुरूफ से क्या है अल्फाज बनाए हैं, जैसे कि दरख्त, यहाँ पर मैंने दरख्त लिखा है, तो यहाँ पर क्या है? दौल रे है ते, अगर इसको हम मिला कर लिखेंगे तो क्या होगा? ये दरख्त बन जाएगा। तो इसी तरह से क्या है? तरबूज, यहाँ पर दो नंबर पर आपको नजर आ रहा है लफ्ज तरबूज, अगर हम इस ते को यहाँ से मिलाकर यहाँ तक लेंगे तेरे तरबूज, तरबूज हो जाएगा ये इसी तरह से। और उसके बाद फिर अशरफ, अशरफ, अशरफ कहाँ पर है? यहाँ पर है अशरफ, इस तरह से अलीफ शीन रे फे, इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? अशरफ। इसी तरह से यहाँ पर अलीफ सीन लाम मीम, ये मिलाकर अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? असलम। हाँ बहुत खूब, ये क्या बन जाएगा? असलम। और उसके बाद फिर ये बे अलीफ लाम अगर हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये
बाल, हाँ बिल्कुल सही। और उसके बाद क्या है, ये रे अलीफ जे क्या हो जाएगा, राज। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो रे वो जे रोज, इस तरह से क्या है बहुत सारे अल्फाज क्या है आपको बनाने को मिलेंगे। तो आप क्या है इस जदोल को अच्छी तरह से अपनी बयाज में उतार लीजिए और अपनी जहानत से क्या है नए 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 अल्फाज बनाकर अपनी जमाती मौलिमा को दिखाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हरूफ से अल्फाज बनाना समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये है आज का आपका घर पर काम। मुख्तलिफ खिदमाती अंजुमनों की फहरिस्त तैयार कीजिए। तो आप जैसा कि हमने इस सबक में पढ़ा है रोटरी क्लब के बारे में, पहले हिस्से में हम पढ़ चुके हैं और अगले हिस्से में क्या है हम और भी दूसरे अंजुमनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर क्या है लायंस क्लब है, एनहरल क्लब है, रेड क्रॉस है वगैरह खिदमती अंजुमने हैं। तो ये क्या है इनके अगराज और मकासद के बारे में भी आपको दो या चार जुमले लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप घर पर काम दिया गया घर पर काम अच्छी तरह से मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों अब तक जो कुछ भी मैंने हिस्सा अव्वल में क्यों ना हम भी हाथ बटाए सबक में कहा है आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और दी गई तमाम मशकों को भी अच्छी तरह से हल कर चुके होंगे उम्मीद करती हूँ। और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि सबक को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद फानी के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और मुतालिया करते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षणा कलियोना कलिके यह सहारी अली जो देगू।